काफी समय तक शुष्क मौसम रहने के बाद पिछले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद अब फिर से पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी एक बार फिर लौट आई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। हर तरफ बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। करगिल के द्रास की चोटियां बर्फ के आगोश में हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। थोड़ा बर्फबारी हो रहा और काफी टाइम के बाद हुआ, इतना नहीं हुआ इस साल और ठीक ठाक ही हो रहा है। आज आधे फीट के करीब पड़ चुका है। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी हर तरफ बर्फीला नजारा दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में स्नोफॉल ज्यादा होने से सैलानियों की बहार आ गई है। कश्मीर का ताज कहा जाने वाला गुलमर्ग फिलहाल सैलानियों से गुलजार है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं। सभी होटलों में मार्च के पहले हफ्ते तक फुल बुकिंग चल रही है। सैलानी स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और हेली स्कीइंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पिछले महीने सूखे मौसम की वजह से खेलों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब बर्फबारी से गुलमर्ग खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है। इसीलिए गुलमर्ग की वादियों में रोमांच देखने को मिलेगा। 26 फरवरी को विंटर गेम्स का समापन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है। We have one of the best ski resort. हमारा जो रिजॉर्ट है ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो अभी स्लोप्स मेंटेन हो रहे हैं। As you can see the back side, this is world's highest mountain here. So inshallah, बाकी जो ट्रैक्स वेक्स अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। Like I have very excitement. न सिर्फ स्कीइंग बल्कि बाकी जितनी भी एडवेंचर और स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर रिज्यूम हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्नो ना होने की वजह से जो थोड़ी सी मायूसी एडवेंचर लवर्स में थी, मुझे लगता है इसकी वजह से जो है दे आर ऑल फीलिंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल अभी भी कुछ दिन फोरकास्ट है कि कंटिन्यू रहेगा। वी आर होपफुल टू हैव अ गुड रश ऑफ एडवेंचर लवर्स दिस सीजन। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़, सड़क, घर, हर जगह बर्फ का डेरा है। गाड़ियों में बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। केलांग में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केलांग के अलावा कुसुमसेरी और हंसा में भी हिम वर्षा से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। अटल सुरंग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल बदल गई। पिछले दो दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी लौट कर आई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, केदारकाठा में बर्फ पड़ी है। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा गंगोत्री धाम बर्फ की आगोश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है और इसके साथ ही मौसम बहुत ज्यादा गुलजार हो गया है। हालांकि सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। और इस बीच अगर आपका भी मन कर रहा है तो अभी तो बर्फबारी जारी है, तो देर मत कीजिए, बैग पैक करिए और निकल जाइए। बच्चे जो हैं उनको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अगले साल का इंतज़ार कर लीजिए। और हमको दीजिए इजाज़त, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।